वल्लाह, हमें तो ख्वाब में भी गुमान ना था कि आप इतने खूबसूरत अशआर कहते होंगे। जी शुक्रिया। आपका कोई मजमूआ शाया हुआ हो तो बताएं, हम पढ़ना चाहेंगे। मजमूआ तो नहीं, वैसे काफी कुछ लिख रखा है। आपको पसंद है तो धीरे धीरे सब पढ़वा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे हमारी बस आ गई अनवर साहब, खुदा हाफिज। देख लो भाई, पूरे 10 किलो हैं। ये लो। आपका मेहमान आ गया अब्बू? अरे यही फिक्र लगी हुई है बेटे, 4 बजे बस का टाइम था, अब 6 बज रहे हैं, कहीं फंस तो नहीं गया बेचारा? ओफो अब्बू, कोई ना कोई फिक्र के बिना आपको खाना हजम नहीं होता। अरे बच्चा थोड़े ही है, आ जाएगा अभी। हाँ। आप आराम से बैठिए, हम आपके पसंद की सब्जी बनाएंगे अभी। अच्छा। कहाँ रह गया पता नहीं। हम आ जाएं जी। अरे बन्ने मियां, आओ 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 आओ। जी आदाब। आदाब जी, तो रहो बेटे, हम तुम्हारी ही राह देख रहे थे। अरे सबा सबा बेटे, देखो बन्ने मियां आ गए। अच्छी 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 अच्छी। हमें बाद में देखिएगा, पहले अंदर देखिए, कुछ जल रहा है। अच्छा, सचमुच कुछ चल रहा है। चलो बेटे बैठो। ये आपकी दुकान है? हाँ बेटे, दुकान और मकान एक ही समझ लो। अच्छा। हाँ। फिर तो मजे। हमारी दुकान तो घर से काफी दूर पड़ती है। अच्छा। एक ही जगह होती तो कम से कम रोज की डांट डपट से तो बचते। आओ बैठो। बेटे बस लेट थी क्या? जी नहीं, लेकिन वो एक लंबी कहानी है। अच्छा अच्छा, सामान नहीं है कुछ? सब बस में ही छूट गया, वही तो कहानी है। ये पोटली तो इसलिए बची रह गई कि पूफी ने कहा था कि सीधे सबाबी के हाथों तक पहुंचा देना। ये आपके लिए। ओ शुक्रिया शुक्रिया। आते थे लाइए। अरे लाइए ना। ये चूड़ियां आपके हाथों पर क्या जच रही हैं, क्या सज रही हैं। खुदा बुरी नजर से बचाए। तो चल आइए। अरे लाइए ना। वाह, ये चूड़ियां भी बड़ी किस्मत वाली हैं जो इन कलाइयों तक पहुंच गई। अब लिख दीजिएगा उनको कि बन्ने ने चूड़ियां सीधे आपके हाथों तक पहुंचा दी। लिख देंगे ना आप? बड़ों का कहा खूब मानते हो बरखुरदार। भाभी और तुम्हारी अम्मी खैरियत से तो है ना? जब तक हम थे तब तक तो थी, अब अल्लाह जाने। भाई आदमी बड़े दिलचस्प हो तुम। शकील मियां। अम्मा जुम्मन मियाँ, आता हूँ। सबा जी? बेटे काम करो, बन्ने मियाँ को चाय नाश्ता करा दो और 2 प्याली चाय बाहर ले आना, तुम्हारे जुम्मन मामा आए। हाँ जी। अरे आओ मेरे भाई आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सब खैरियत? अल्लाह का करम है। अजमेर शरीफ का तबर्रुक। तबर्रुक? अरे वाह, अजमेर शरीफ का तबर्रुक बड़ा मुकद्दस होता है भाई। बड़े मुकद्दर वाले हो जो हर साल अजमेर शरीफ की हाजिर अगा कराते हो। और एक हम है कि हम आपको तो हर बार कहते हैं चलने के लिए। क्या करें जुम्मन मियाँ, घर में जवान बेटी है, उसे अकेली छोड़कर जा भी तो नहीं सकते। खैर बैठो, बिटिया चाय लाने वाली है। शुक्रिया। चाय 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 हम नहीं पीते। पूपी कहती है चाय पीने से रंग काला पड़ जाता है। दूध ले आइए और जरा मलाई वलाई डालकर। दूध? ठीक है, बाजार से लाए देते हैं। यहाँ दूध खरीदा जाता है?
आपके यहाँ भैंस वैस नहीं है? जहाँ इंसानों के ही रहने के लिए जगह मुश्किल से मिलती हो वहाँ गाय भैंस कहाँ बंधेंगी? अंदर की तरफ बाल्टी में पानी रखा है, जब तक हम दूध लेकर आए आप नहा लीजिएगा। लेकिन नहाने के बाद हम पहनेंगे क्या? हमारा बक्सा तो बस में ही रह गया। ओ, वहाँ अबू का कुर्ता टंगा है, आप वो पहन लीजिएगा। वो हमें चुभेगा। अम्मी ने तो बस हमें रेशमी कुर्ते ही पहनाए हैं। इतने से पानी से हम क्या नहाएंगे? अरे आप नहाए नहीं अभी तक? जी इतने पानी से तो हमारा मुंह भी नहीं धुल पाता। सुबह कुआ हुआ दिखा दीजिएगा, जी भर के नहा लेंगे। जरा से दूध से हमारा कुछ नहीं होने वाला, बहुत भूख लगी है, जल्दी कुछ खिला दीजिए ना। और हाँ, मूंगी का हलवा जरूर बनाएगा, उसके बिना हमारी नियत नहीं भरती। अरे भैया आज से पाव भर दूध ज्यादा देना। क्यों, कोई मेहमान आया है? चाय बनने की? चाय? वो चाय नहीं पीते अब्बू। अब्बू ये कहीं के नवाब हैं क्या? क्यों, क्या बात है बेटी? चाय ये पीते नहीं, सूती कपड़े इनको चुभते हैं, खाने में हलवा चाहिए और नहाने को कुआं चाहिए। बात क्या है बेटे, के बाप के गुजर जाने के बाद उसकी पुपी और अम्मी ने बड़े नाजों से पाला है उसे, और मुझे ताज्जुब तो इस बात का है बेटे कि उसे यहां भेजने के बाद वो दोनों बेचारियां जी कैसे रही होंगी। समझ जाएगा, साफ समझ जाएगा बेटे, यहां की पथरीली जिंदगी मखमली एहसासों का गला घोटने में देर नहीं करती। फिर भी आप बात करके तो देखिए, आखिर करना क्या चाहते हैं वो यहाँ पर? ठीक है, मैं आज ही उससे पूछ लेता हूँ। बाबा सलाम। बाबा सलाम। सबा भी जीते रहो बेटे, जीते रहो। भाई सबा कह रही थी तुम चाय नहीं पीते। वही तो, अब यहाँ यही मुश्किल पड़ेगी। सबा भी कह रही थी कि यहाँ भैंस तो है नहीं, और हमें तो भैंस के थन से ही पीने की आदत है। कोई बात नहीं, यहाँ गिलास से पी लेना बाबा। हमें फारिग होना है। अच्छा? यहाँ से खेत तो काफी दूर पड़ते होंगे। कोई बात नहीं, बाहर निकल कर दाएं घूम जाना, सामने संडास बने हुए हैं, बस क्यों में लग जाना। अच्छा, जाओ। अच्छा। बाबा हाँ, ये क्यों क्या होता है? लाइन लाइन बेटा लाइन, ये बंबई शहर है, यहाँ जगह लाइन लगानी पड़ती है। बस के लिए लाइन लगानी पड़ती है, रेल के टिकट के लिए लाइन लगानी पड़ती है, डॉक्टर की दुकान में लाइन लगानी पड़ती है,
राशन की दुकान में लाइन लगानी पड़ती है और यहाँ तक के संडास के लिए भी। क्या हुआ बेटे, क्या हुआ? बाबा, ये लाइनों का चक्कर सुनकर हमारा पेट घबरा गया है, अब कल फुर्सत में सोचेंगे। बड़े कमाल के आदमी हो यार। खैर ये बताओ, किस तरह के काम की तलाश में आए हो? काम? काम तो हमने कभी किए ही नहीं। मेरा मतलब है तुम्हें आता क्या है? गाना। हमारे दोस्त कहते हैं कि हम जानी बाबू से ही बेहतर गाते हैं, सुनाए? नहीं, नहीं, नहीं। फिर कभी फुर्सत से सुनेंगे। हाँ अबू, हमारे स्कूल का टाइम हो गया अबू। अच्छा। हम चलते हैं, लेकिन आप खाना और दवा वक्त से ले लीजिएगा। ठीक है बेटा। अरे सबा भी, हमें बम्बई नहीं घुमाएंगे? बाबा सुना है बम्बई बड़ी घूमने लायक जगह है। एक काम करो बेटा, मदरसे की छुट्टी के बाद बन्ने मियो को बम्बई घुमा देना है? जी। भाभी, अरे बेशरम बेहया, मेरा हाथ पकड़ता है, मैं तेरी गर्दन तोड़ दूंगी। हम आपको सुबह भी समझे थे। सबा भी समझे थे। हाँ हाँ सबा भी समझे थे। अरे ले सबा भी। बेशरम कहीं के सबा भी। अरे एक तो हाथ पकड़ता है। अरे सबा भी। ये ले सबा भी। सबा भी। सबा भी। सबा भी। सबा भी। सबा भी। क्या हुआ? सबा भी। ये ले हुआ। हम सच कहते हैं सबा भी, हमने आपको ही समझ के इनका हाथ पकड़ लिया था। माफ कर दीजिए, पहली बार बम्बई आए हैं, गलती हो गई, प्लीज। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। लीजिए आइसक्रीम खाइए। लेकिन से खाते कैसे हैं? मुंह से। खाकर बताइए ना। हम खा चुके। बताइए ना। ओहो ऐसे। ओ ऐसे। अच्छे, और चाटेंगी? जी नहीं शुक्रिया। सबाबी कुछ पैसे दीजिए ना। गजरा, कितना फपता है आपके बालों में और खुशबू भी कितनी बढ़िया है।